हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। तो आज का वीडियो है फिर से M30s को लेके। मुझे हो गया मोर देन वन मंथ, और इसमें अगर आप ये लेना चाहते हैं फ़ोन तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट्स मैं इसी एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बाकी डिटेल वीडियो मैंने कार्ड्स पे डाल दिए हैं, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में। इसके कैमरे के बारे में मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, इसके बैटरी बैकअप के बारे में मैंने इसको वीडियो डाल दिया है, और एक दो जो पॉपुलर क्वेश्चन हैं आपके कि इसमें सिग्नल का प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो चीज़ें भी मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपके मन में विचार आ रहा है M30s को लेने का, तो प्लीज़ ये फ़ोन जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इस फ़ोन में बहुत कुछ है इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, और कोई आपको नेगेटिविटी इसमें है वो मैं क्लियर कर दूंगा आफ्टर एंड। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि 14-15 हज़ार की रेंज में इतना बढ़िया फ़ोन, जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी, उसके अलावा लुक्स इसकी बिल्कुल स्लिम लुक्स हैं, पतला कॉम्पैक्ट। मैं कभी बड़े फ़ोन नहीं रखता, आई हेट बिग फोन्स, बट ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया हुआ है। 6.4 इंच का इसका डिस्प्ले है, स्टिल इट इज़ सो स्लिम। तो ये इसका USP है सबसे बड़ा। दूसरा USP है, आई लव कलर्स इन कलर डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले में पसंद है मुझे पर्सनली, क्योंकि अगर आप जब वीडियो देखते हैं तो काफ़ी लोग होंगे मेरे से जो इत्तेफाक रखेंगे और जो चाहते हैं कि उनको डिस्प्ले के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, और वो डिस्प्ले भी अगर आपको इस रेंज में मिल जाए तो क्या चाहिए। तो ये फ़ोन आपको डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, जो कि सैमसंग मशहूर है OLED डिस्प्ले के लिए। इवन मेरा प्राइम फ़ोन iPhone XS है, इसमें भी जो पैनल है, मतलब जो स्क्रीन है, वो सैमसंग की है, क्योंकि सैमसंग की सबसे बेस्ट OLED डिस्प्लेज बनाता है। तो पहला रीज़न आपको ये बाय करने का, बहुत अच्छी बैटरी, बहुत अच्छा स्लिम प्रोफाइल। तीसरा, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले, क्योंकि आज के टाइम में डाटा सब कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देखते हैं, अगर आपको OLED देखने को मिल रहा है इस रेंज में तो और क्या चाहिए। फ्लैगशिप फ़ोन में आता है ये, और इस रेंज में इन्होंने निकाला है तो बहुत अच्छा। नंबर 4, ब्रांडिंग, सैमसंग बहुत ही बढ़िया ब्रांड है ऑन एंड्रॉयड के अंदर। बाकी ब्रांड्स भी आ रहे हैं, एंड्रॉयड बोल में किसी के दुश्मन नहीं हूँ, बट पर्सनली अगर आप देखें तो ना एक स्तंभ बन जाता है इसमें, आप कह सकते हैं मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ब्लॉक की तरह, मतलब काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग में आपको इतना अच्छा ब्रांड, इतना अच्छा डिस्प्ले और इतनी अच्छी बैटरी के साथ एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब आते हैं कैमरे के ऊपर, कैमरा कैसा है। कैमरा इसका मैं देखिए, मोबाइल फ़ोन में आप पिक्सल्स के ऊपर कभी मत जाएँ कैमरे में, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, अब 106 मेगापिक्सल, तो पिक्सल पे कभी नहीं जाना, क्योंकि कैमरा फ़ोन के कैमरे में क्या है, छेद हैं छोटे छोटे, इसमें कितना लेंस आ जाएगा, इतना सा, इतू सा, ठीक है, इतने से लेंस में कला कहाँ से आती है इसमें, ये इतने रिजल्ट्स कैसे निकालता है। इसका यूआई बनाता है, यूआई मतलब सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, उसको फॉलो करने के साथ, जैसे वो कह रहा है इतने डिस्टेंस पे फोटो खींची, अगर आपको बोके चाहिए, बोके होता है जो पीछे से बैकग्राउंड ब्लर होती है, उससे अच्छा डिस्प्ले, मतलब बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स आते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, कार्ड्स के ऊपर होगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, जाके देख लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल है ड्रोन टेक डॉक्टर, इसमें हम ड्रोन्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों, टेक्नोलॉजी वो जो मैं यूज़ करता हूँ खुद। तो ये आपको कैमरा इसका अच्छा है, लाइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, डार्क में थोड़ा परफॉर्मेंस मैं कहूँगा बेहतरीन नहीं है, बट डार्क में भी परफॉर्म करता है अगर आप सही एंगल्स, थोड़ा फोटोग्राफी का आपको नॉलेज है तो कैमरा के मामले में भी ये पास है। अब इसमें आ रहा है प्रोसेसर, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अराउंड 28 अच्छी ऐप्स जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, एक साथ मैंने इसमें खोली थी, 28 ऐप्स एक साथ खोल ली, और फिर इतू सा भी इसमें स्पीड में फ़र्क नहीं आया, सभी ऐप्स मस्त चल रही थी, कोई हैंग नहीं हुआ। तो इससे बड़ा एग्जांपल, मतलब प्रोसेसर इसका ज़बरदस्त है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, गेमर्स के लिए जो चाह रहे हैं कि इस रेंज में कोई अच्छा, आपको डिस्प्ले इतना अच्छा मिल रहा है, साथ में बैटरी इतनी अच्छी मिल रही है बार बार, और बाकी जो चार्जिंग का है, चार्जिंग का आपको लिए कर देते हैं, फास्ट चार्जिंग का मतलब ये नहीं है 10 मिनट लगाया और पूरा चार्ज हो गया, पूरा एक घंटा लेता है पर फुली चार्ज होता है, बाकी अगर स्लो चार्जिंग होती तो कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, तो उस मामले से फास्टिंग चार्ज है, तो फास्ट चार्जर है, अच्छी बैटरी है, अच्छा डिस्प्ले है, गुड प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए भी अच्छा फ़ोन है, मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से कर रहा है, कैमरा भी अच्छी लाइटिंग में और अच्छे तरह से अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं ये धुंधला हो रहा है, कुछ नहीं, फ्रंट का भी अच्छा है, बैक का भी अच्छा है, मैंने सैंपल दे रखे हैं, कार्ड्स के ऊपर वीडियो जाके ज़रूर देखें। अब एक
टक टक वाली बात तो आप करें ना, टक टक आती है, दैट इज रबिश जो कह रहे हैं। मेरे वाले फोन में कोई टक टक नहीं होती, चारों तरफ से मैं दबा के देख लिया। और ये प्लास्टिक पीछे से पैनल है, तो प्लास्टिक में ये फ्लेक्सिबिलिटी की होती है, वो एक इट इज़ नॉट कॉन यू कैन से। अब उसके बाद टक टक का कोई उसमें नहीं है। अब आते हैं इसके सिम कार्ड्स के ऊपर, सिम कार्ड्स का नेटवर्क के, बेसिकली नेटवर्क लोग कई रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जी नेटवर्क नहीं आता। देखिए सर, मैं इसको, ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, इसको मैं अपनी गाड़ी में लगाता हूँ और इसमें मैप्स लगाता हूँ, तो मैप्स कनेक्टेड रहते हैं अपने उसने इंटरनेट से, और बीच में कई बार कॉलिंग भी करता हूँ। तो ऑन द हाईवे गाँव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, तो हर जगह मुझे कनेक्टिविटी इसकी मिली है। कॉल कभी मेरे डिस्कनेक्ट आज तक नहीं हुई इस पे ऊपर करते हुए। और क्या चाहिए आपको? अब फंडा मैं क्लियर कर देता हूँ जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा होता है जी, जो हमारे सिम ट्रे होती है उसमें जो नीचे प्रोसेसर होते हैं, मतलब जो यहाँ पर वो जाके लगता है ना, कनेक्टिविटी कनेक्शन बनता है, वो कई बार सिम कार्ड में हमारे घिस जाते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि कई कह रहे हैं हमारा सिम 2 अच्छा नहीं चल रहा, कोई कह रहे हैं हमारा सिम 1 नहीं अच्छा नहीं चल रहा, तो दोनों अच्छे चलते हैं मेरे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन जिनके पास M30s है और उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी लोग नेगेटिव इसके बारे में बोल रहे हैं, ताकि जो जनता लेना चाहती है ये फ़ोन वो नेगेटिव जगह पर मत मतलब जाए, उनको कॉन्फिडेंस आए। प्लीज़ जिन जिनके पास जो खुश हैं, तसल्ली है इनको, इस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो भाई साहब, अगर आपने M30s ले रखा है और आपको सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने सिम चेंज करवा लें, कंपनी फ्री में करके देती है, नया सिम मिल जाएगा, वो डालें इसमें, फिर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। नंबर 2, अगर आप लेना चाह रहे हैं फ़ोन और वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक अगर आए हैं, तो इसे पक्का यकीन है कि आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं। तो मेरी राय क्या है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है इस फ़ोन को, टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है भगवान की कृपा से, और मैं लेता भी रहता हूँ। मैं हमेशा, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि आप, हर कोई नहीं कह सकता कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, आपको हमेशा सीखना होता है, तो मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से, तो उस नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। गुरुपुरब था और आज बच्चे चला रहे हैं, चलो अभी ये पोल्यूशन का कारण है। तो आपको बता रहे हैं कि आप ये फ़ोन ले लें, पछताएंगे नहीं। सिग्नल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी इतनी अच्छी है, OLED डिस्प्ले है, और सबसे खास फीचर जो फ्लैगशिप फीचर जो आईफोन में भी नहीं है, मेरे पास आईफोन एक्सेस है उसमें भी नहीं है, वो है इसका ऑडियो, मतलब जो आपको ऑडियो स्पीकर की बात नहीं कर रहा, स्पीकर इसके ओके टाइप्स हैं, जो सच बात है सच है, इसके स्पीकर अच्छे नहीं कहूँगा मैं, ओके हैं, काम चलाते हैं बस। लेकिन इसके अंदर अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, तब इसके अंदर टेक्नोलॉजी है डॉल्बी एटमस। अब डॉल्बी एटमस जिसको नहीं पता है, बहुत ही उमदा टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस आएगा जब आप वीडियोज़ या इसमें मूवीज़ देखेंगे, ईयरफोन लगाने पर ही एक्टिव होता है, और वो फ्रंट पैनल से ऊपर जाके जब यहाँ पर आता है डॉल्बी एटमस, ये देखिए यहाँ से ऑन होता है, इसको ऑन कर लें और फिर इसके मज़े लें, तो वो फ्लैगशिप फ़ोन में मिलता है और इसमें वो अवेलेबल है। तो इट इज़ एन ओवरऑल पैकेज, जो ये लेना चाह रहे हैं ज़रूर लें। ये पूरा मेरा निचोड़ था, ये निचोड़ वाला मैंने वीडियो बनाया। इसके अलावा भी आप इसका कोई भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है हाइपर लैप्स, उस पर मैं काम कर रहा हूं, ज़रूर आएगा, ज़रूर देखिएगा। 4K तक इसमें है वीडियो, अगर जो वीडियो बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं भूल गया, वीडियो ये 4K तक वीडियो बनाता है भाई साहब, और ज़बरदस्त वीडियो बनाता है। और इसमें स्टेबिलिटी भी है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको फुल HD में मिलती है, लेकिन 4K में स्टेबिलिटी मिलती है, उसके लिए आप गिम्बल यूज़ करें। तो इस पे मैं एक काम बना रहा हूं, वीडियो हाइपर लैप्स बहुत अच्छा बन रहा है, वो इस पे अपलोड होगा। अगर आपने देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको मैंने दे दिया कि अब मैं उसकी देता हूं रेटिंग, हर एक चीज़ में 10 में से नंबर दूंगा, तो आप लगा लेंगे अंदाजा। इसकी ओवरऑल लुक्स 10 में से 10, डिस्प्ले OLED 10 में से 10, कैमरा 10 में से 8.5, कॉलिंग वगैरह 10 में से 10, बैटरी 10 में से 10, ओवरऑल फ़ोन रेटिंग 10 में से 9.5। तो मस्ट बाय फ़ोन है, ज़रूर बाय कीजिए। एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय gadgetmadam.com जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। और कोई आपकी रिक्वेस्ट है इससे, कोई आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भरिए और उसका रिप्लाई आएगा। और एक
मेरे दोस्त इमरान गुड लॉक वीडियोस बनाई है इसके बारे में, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इमरान जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप फिर से लिखेंगे गुड लॉक वीडियो बनाओ, वो गुड लॉक वीडियो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करें कि गुड लॉक वीडियो क्या बनाऊँ मैं इसके बारे में। गुड लॉक, लॉक के बारे में बात कर रहे हैं पीछे वाले, या फेस लॉक की बात कर रहे हैं, या इसकी लुक्स की बात कर रहे हैं? गुड लॉक वीडियोज़, व्हाट इज़ गुड लॉक वीडियोज़, प्लीज़ एक्सप्लेन। दिस इज़ फॉर मिस्टर इमरान, थैंक यू। और आप ज़रूर लिखें तो आपका वीडियो नेक्स्ट में बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।